भाई आप सबको मेरा नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल इंस्पेक्टर कृष्ण के में। अभी अभी सो के उठा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो के उठने में लेट हो गया, लेकिन आप लोगों को बोला था कि मैथ्स का इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दूंगा, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपका कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ, जो डाउट्स बार बार कमेंट में आते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट कमेंट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको वीडियो में बता रखा हूँ, आप वो कमेंट दोबारा से करते हैं, मुझे उसका रिप्लाई करना पड़ता है, मुझे और बहुत सारे काम होते हैं मेरे भाइयों। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला डाउट ये आ रहा है कि सर एससी और एमटीएस का एग्जाम एक ही होगा या अलग अलग होगा। तो जो एससी और एमटीएस का एग्जाम है वो एक ही एग्जाम है, आपको उसी के बेसिस पे एससी या एमटीएस का पोस्ट मिलेगा। दूसरी चीज, बार बार लोग पूछ रहे हैं कि टायर वन और टायर टू के बीच कितना गैप रहेगा। तो टायर वन और टायर टू के बीच गैप कम से कम एक से डेढ़ महीना कम से कम रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आईबी काम कर रही है, जिस हिसाब से आईबी ने हमें अभी शॉक दिया, उस हिसाब से हमें तैयार रहना होगा कि जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन मतलब कि कब होगा, तैयारी अभी से करते रहो, तैयारी करेंगे अभी साथ में हम। इंटरव्यू भी मेरे हिसाब से अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, मॉक्स रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं तुम इससे पहले वाला वीडियो देख के उससे क्लियर कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन करते समय सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे जंप नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ही अगले क्वेश्चन पे खुद ही चला जाएगा वो। तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करके टिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन जरूर टच करना। ठीक है, बाकी जिनका एग्जाम कल है उनके लिए ऑल द बेस्ट है। शाम को एक बार फिर से मिलूंगा मैं उनको, थोड़े छोटे छोटे टिप्स दूंगा जो चीज़ें खराब कर देती हैं पेपर, वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करूंगा आपके साथ। बाकी मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, ट्रिग्नोमेट्री के छोटे मोटे फार्मूलाज, ये सारे फार्मूलाज मैंने एक पीडीएफ में कंपाइल करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सीजर एलेक्सर बाई के, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। जुड़ जाइए वहाँ पे, वहाँ से जुड़ के आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। जितनी चीज़ें उसमें समझ में आ रही हैं बस उतना ही करना, इतना एक दिन में वो तुम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जादू नहीं हो तुम। ठीक है, तो तुम जितनी चीज़ उसमें समझ में आ रही है उतना कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। पेपर आराम से देके आना, कॉन्फिडेंट होकर पेपर देके आना, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ये सोच के जाना कि बस पेपर करके आना है। ठीक है, डर लेके मत जाना, फेलियर का डर लेके बिल्कुल मत जाना, एकदम कॉन्फिडेंट पेपर देके आना, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। और देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा तो अप्रिसिएशन दीजिए। व्यूज़ होते हैं 5000 और लाइक्स होते हैं 200, ये फिजिबल नहीं है ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।